नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रीत क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो मैराथन वीडियो होने वाला है। इस क्लास में हम आपको SSC MTS के हाल ही में हुए सभी शिफ्टों के क्वेश्चन विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हम करवाने वाले हैं, जो कि आने वाली सेकंड फेज में जो शिफ्ट होंगी उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कारगर साबित होने वाली है। देखिए 2 मई के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है वो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। 1989 का एशियन गेम्स कहाँ पर हुआ था? तो इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक की प्रांतीय राजधानी कौन सा है, कौन कौन सी थी? अशोक के अभिलेखों से हमें पता चला है कि 4 प्रांतीय राजधानी थी उनकी। तोसली पूर्व में, उज्जैन पश्चिम में थी और सुवर्णगिरी दक्षिण में, तक्षशिला उत्तर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है मिल्खा सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1982 के एशियाई खेलों की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी? तो यह की गई थी भारत के दिल्ली में, भारत के द्वारा की गई थी। यह दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू मैदान स्टेडियम में आयोजित 9वां एशियाई खेल था। 19 नवंबर 1982 से 4 दिसंबर 1982 तक थी। भाग लेने वाले राष्ट्र यानी देशों की कुल संख्या थी 33। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारगम भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह है तमिलनाडु का। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन द्वारा किसके द्वारा किया गया था? तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में होमी जहांगीर बाबा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया था? पंजाब के माहौली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 58.44 डिग्री फारेनहाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वर्तमान में कितने जैव मंडल आरक्षित केंद्र हैं? तो यह 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठा प्रशासन में किसी भी राज्य द्वारा उत्पन्न व अर्जित कुल राजस्व का 25% कर टैक्स, उस टैक्स का क्या नाम था? तो यह था चौथ कर, एक चौथा ही देना पड़ता था। इलियास खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो यह है सितार वादक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शेडोंग प्रांत सोने का मिल कहाँ स्थित है? चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नस कार्लसन किस खेल से संबंधित है? तो ये थे शतरंज से, नॉर्वे के शतरंज खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोपिन त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वंश ने खजुराहो का मंदिर बनवाया था? चंदेल वंश के शासकों ने बनवाया था। कहाँ पर है ये? MP में, जहाँ पर क्षत्रिय महादेव का मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023-24 के बजट के अनुसार निगम कर यानी कॉरपोरेट टैक्स जो है राजस्व के प्रत्येक रुपये में कितने पैसे का योगदान देता है, यानी कि कितने परसेंट होता है? तो 15 पैसे का 15%। माल और सेवा कर GST जो लार्जेस्ट के प्रत्येक रूप में 17 पैसे का योगदान यानी 17% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गबरी हथियाना और गैर नृत्य राजस्थान के किस जनजाति द्वारा की जाते हैं? तो ये किए जाते हैं अपने भील जनजाति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अपराध में पुलिस न्यायालय की अनुमति के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं की कर सकती? पुलिस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है, संज्ञेय अपराध, कॉग्निजेबल ऑप्शंस जो होता है यानी संज्ञेय अपराध होता है उसमें पुलिस न्यायालय की बिना अनुमति के गिरफ्तार कर सकती है। संविधान में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संविधान में प्रस्तावना किस गरिमा को बढ़ावा देता है? संविधान की प्रस्तावना व्यक्ति राष्ट्र की एकता और अखंडता की गरिमा को बनाए रखने के लिए लोगों के बीच भाईचारे बंधुता को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र किस कोशिका में पाया जाता है या कोशिका झिल्ली युक्त तो कौन सी कोशिका है? तो यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं, कोशिकाएं 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है प्रोकैरियोटिक, कौन सी होती है? प्रोकैरियोटिक, और एक होती है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती है इनमें केंद्रक पाया जाता है यानी सुविकसित, और इनमें जो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इनमें केंद्रक का अभाव होता है या फिर अपन यूं कहें कि केंद्रक अविकसित होता है। कवक की सतह पर उग सकता है, तो कवक आमतौर पर लकड़ी, ड्राई वॉल, असवर, कपड़े, वॉलपेपर, चिलमन, छत्र, टाइल्स या कालीन पर उग पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निर्माण के तरीके के आधार पर कौन सा चट्टान का रूप नहीं है? तो चट्टान के 3 प्रकार होते हैं, आग्नेय चट्टान, अपसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान है, जिसके 3 प्रकार होते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा महाजनपद नहीं है? तो महाजनपद कितने थे? 16 महाजनपद थे, जिनकी राजधानियाँ और जनपदों के नाम हम देख लेते हैं ऑप्शन में। इसके हिसाब से जो
इनके अलावा जो होगा वो ऑप्शन में, तो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए काशी पहला, उसके बाद उसका जो राजधानी थी वाराणसी, जन महाजनपद दूसरा कौन सा, कौशल जिसकी राजधानी थी श्रावस्ती, अंग इसकी राजधानी चंपा, चेदी यानी शक्तिमती जो इसकी राजधानी वत्स, कौसाम्बी इसकी राजधानी थी, कुरु इंद्रप्रस्थ, पांचल यहाँ की पांचल महाजनपद था इसकी राजधानी थी अहिछत्र या कौमपल्ल्य, नेक्स्ट था मत्स्य जिसकी राजधानी थी विराटनगर, सूरसेन जिसकी राजधानी मथुरा, अश्मक पैठान प्रतिष्ठान या पोतन या पोटली, एकमात्र जो है दक्षिण में दक्षिणी महाजनपद है कौन सा, ये अश्मक। नेक्स्ट था अवंती महाजनपद जिसकी राजधानी थी उज्जैन, गांधार तक्षशिला, कंबोज की राजधानी आटक राजपुर, वज्जी वैशाली और मल्ल कुशीनगर पावा, मगध की राजधानी क्या थी गिरिब्रज राजगृह। ये थे 16 महाजनपद, इनके अलावा जो भी ऑप्शन में था वो महाजनपद नहीं होगा। नेक्स्ट अब देखिए सेकंड शिफ्ट के, 2 मई सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो मोतीलाल नेहरू जो हैं या मोतीलाल नेहरू सचिव थे और चित्रनंदास अध्यक्ष के साथ मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय अर्थव्यवस्था में FRBM अधिनियम 2003 में आया, इसका एफ का अर्थ क्या है, तो फिस्कल जो है इसका अर्थ है फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, FRBM एक्ट 2003 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, 8 जो है शास्त्रीय नृत्य। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है, तो अब्दुल कलाम जी, जो अपने भूतपूर्व राष्ट्रपति जी अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस राज्य का है, तो यह है अपने केरल का, किसका है केरल। नेक्स्ट देखिए इसका एक्स्ट्रा फैक्ट, हरियाणा में भारतीय राज्य में सबसे कम जो लिंगानुपात है वो है अपने हरियाणा में, किसका है हरियाणा में। नेक्स्ट केंद्र शासित प्रदेश दमन द्वीप में लिंगानुपात सबसे कम है 618, सभी भारतीय राज्यों में केरल का लिंगानुपात सबसे अधिक है 1084। पुदुचेरी में भारतीय राज्यों में लिंगानुपात 1038 दूसरा सबसे अधिक है, इसलिए हमने इसका निकालते हैं केरल में लिंगानुपात सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14-17 किससे संबंधित है, अस्पृश्यता का उन्मूलन से, किससे है अस्पृश्यता या छुआछूत के अंत से। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है, यह अनुच्छेद निम्न प्रकार है, अनुच्छेद 14 में जो है कानून के समक्ष समानता दर्शाई गई है, अनुच्छेद 15 जो है धर्म मूलवंश जाति लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है, अनुच्छेद 16 जो है नागरिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता देता है, और अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी छुआछूत का अंत, और अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों का उन्मूलन करता है। देखिए भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो है निम्नलिखित हैं, अनुच्छेद अपराधों के लिए दोषसिद्ध के संबंध में संरक्षण देता है अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण, अनुच्छेद 32 जो है मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के उपाय, अनुच्छेद 52 जो है भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है, अनुच्छेद 63 भारत के उपराष्ट्रपति से, अनुच्छेद 153 भारत के राज्यपाल से संबंधित है। नेक्स्ट पैराशूटिंग में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसे मिला है, तो यह अवनी लेखरा, इनको मिला है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय रेलवे ने कार्बन मुक्त रेलवे का लक्ष्य कब तक रखा है, 2030 तक, इसका आंसर हो जाएगा 2030 तक। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि भारतीय रेलवे ने 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेघालय में फसल काटने पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो बांग्ला महोत्सव जो है मेघालय में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा विटामिन हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखने में मदद करता है, तो यह है विटामिन ए, कौन सा है विटामिन ए, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन ई जो है आँखों के लिए लाभदायक माना जाता है। गोल्डन राइस होता है एक, क्या होता है गोल्डन राइस, जिसमें विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, और एक होता है गाजर, ये विटामिन ए के स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बॉकर कप किस खेल से संबंधित है, तो यह है गोल्फ से, किससे है गोल्फ से,
बुकर कप का नाम 1920 में संयुक्त राज्य गोल्फ संगठन USGA के अध्यक्ष जॉर्ज आर्टर हर्बर्ट बुकर के नाम पर रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1998 में कुचिपुड़ी नृत्य के लिए पद्म भूषण से किसे सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था वेम्पति चिन्ना सत्यम को। नेक्स्ट, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4%। 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली की साक्षरता दर कितनी थी? तो ये थी 86.21%। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जोवियन ग्रह नहीं है? जोवियन ग्रह जो हैं वो हैं जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस और नेपच्यून। पट्टुकल का जैन मंदिर कहाँ किस वंश द्वारा बनाया गया था? तो ये चालुक्य वंश द्वारा बनाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। कौन थे? एनी बेसेंट थी पहली महिला अध्यक्ष। लेकिन अगर पहली भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करें तो ये थी सरोजनी नायडू जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। चांदी का टक्का और तांबे का जीतल किसने चलाया था? तो ये चलवाए थे इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर एक सुरक्षात्मक जस्ते के लेप को किस प्रक्रिया के में प्रयोग किया जाता है? जस्तीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन जिसमें किया जाता है जस्ते जंग से बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत का कौन सा राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो यह है गुजरात। कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? काली मिट्टी जो है, या फिर अपन इसको काली मिट्टी को कहते हैं रेगुर मिट्टी जो है, ये कपास के लिए उपयुक्त होती है। दिल्ली नगर निगम अधिनियम 2022 द्वारा दिल्ली के कितने नगर निगम को विलय किया गया था? 3 नगरों को किया गया था 22 मई 2022 को। ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने अक्टूबर 2022 में 44 दिन के कार्यकाल के बाद इस्तीफा दे दिया था? लिज ट्रस ने दिया था। साबुन में आर्द्रता कम करने के लिए क्या मिलाया जाता है? ग्लिसरॉल मिलाया जाता है। ग्लिसरॉल एक रासायनिक यौगिक है, आमतौर पर रासायनिक सूत्र C3H8O3 के साथ गैर विषैले स्वाद में मीठा चिपचिपा तरल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव कौन से युग में उत्पन्न हुआ था? तो पुरापाषाण युग में। पंडित रविशंकर जो हैं किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो ये हैं अपने सितार से संबंधित हैं। अन्य वाद्य यंत्रों के कुछ प्रसिद्ध कलाकारों को हम देख लेते हैं। सरोद से संबंधित हैं अमजद अली खान, आशीष खान और राजीव तारानाथ। ये संतूर से संबंधित हैं शिव कुमार शर्मा, राहुल शर्मा, भजन सुपारी। ये किससे हैं? संतूर से। और सारंगी से संबंधित हैं सुल्तान खान, रामनारायण, सबरी खान। ये अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके रखें जिससे आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। देखिए नेक्स्ट 2 मई थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन, टेबल टेनिस की लंबाई कितनी होती है? टेबल टेनिस की जो ग्राउंड है उसकी लंबाई, तो इसकी लंबाई 274 सेंटीमीटर और चौड़ाई 152.5 सेंटीमीटर, इसकी ऊपरी सतह फर्श से 76 सेंटीमीटर ऊंची होगी। इस खेल का आविष्कार इंग्लैंड में हुआ था। टेबल टेनिस का नाम जो है 1921-22 में अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल भारत कहाँ स्थित है? मतलब नेपाल भारत की किस दिशा में स्थित है? तो भारत के उत्तर में बसा हुआ है नेपाल। रंगों से भरपूर एक सुंदर देश है। मेंढक की आवाज़ का नाम क्या है? टर्राना। मेंढक की आवाज़ क्या है? टर्राना। आमतौर पर प्रजनन काल में नर मेंढक टर्राते हैं और ये आवाज़ें मादा को आकर्षित करने के लिए होती हैं। फ्रॉक्स मेंढक की आवाज़ को इंग्लिश में क्रॉक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉर्जिया मेलोनी कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? तो ये हैं इटली के। नेक्स्ट, मेरलानी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? देखिए शास्त्रीय नृत्यों से संबंधित हर शिफ्ट में क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए सेकंड फेज वाले वीडियो को ध्यान से देखिए और क्वेश्चन रिपीट होंगे, बाकायदा रिपीट होंगे क्वेश्चन, तो आपको ज़रूर वीडियो में अंत तक बने रहना है और ज़रूर वीडियो को पूरा देखना है। मेरलानी साराभाई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के सबसे ज़्यादा जाने पहचाने वाले चेहरों में से एक थी। वह भरतनाट्यम और कथकली में एक विशेषज्ञ नर्तक थी और साथ ही साथ एक नृत्य निर्देशक और नृत्य प्रशिक्षक भी थी। मृणालिनी साराभाई भरतनाट्यम और कथकली से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं।
क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब परावर्तित और अपरिवर्तित किरणों के वास्तविक प्रतिच्छेदन से बनता है। एक आवासीय छवि स्क्रीन पर प्राप्त नहीं की जा सकती, क्योंकि यह तब बनती है जब परावर्तित किरणें या अपरिवर्तित किरणें प्रतिच्छेद करती हैं। एक वास्तविक छवि हमेशा उल्टी होती है और आवासीय छवि हमेशा सीधी होती है। तो वास्तविक प्रतिबिंब और आवासीय प्रतिबिंब के बारे में जो डिफरेंस होता है वो देख लीजिए। वास्तविक प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब प्रकाश के वास्तविक प्रतिच्छेदन से बनता है, जबकि आवासीय प्रतिबिंब प्रकाश के आवासीय प्रतिच्छेदन से बनता है। बनने वाला प्रतिबिंब आमतौर पर उल्टा होता है, जबकि बनने वाला प्रतिबिंब प्रायः सीधा होता है। प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त की जा सकती है और प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। उदाहरण जैसे समतल दर्पण, साधारण आवर्तक कांच, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब जो होते हैं वो वास्तविक प्रतिबिंब। और आवासीय प्रतिबिंब की बात करें तो अवतल दर्पण, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब के कुछ स्थानों पर बनने वाले प्रतिबिंब हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्तियों का हरा रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये होता है अपने क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। पत्तियों का हरा रंग जो है क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये होता है 25 जनवरी को। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 2011 से ही भारत के निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस यानी 25 जनवरी 1950 को जो है निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। चिन्हित करने के लिए पूरे देश में हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023 की थीम जो थी नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। यह मतदाताओं को समर्पित है जो उनके मतदान की शक्ति के माध्यम से चुनावी प्रक्रिया में भागीदारी के प्रति एक व्यक्ति की भावना एवं आकांक्षा को व्यक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब और किसने किया था? तो ये किया था महमूद गजनबी ने। गुजरात और बेरावल बंदरगाह में स्थित इस मंदिर की महिमा और कीर्ति दूर दूर तक फैली है। अरब यात्री अलबरूनी ने अपने यात्रा वृत्तांत में इसका वर्णन लिखा, जिससे प्रभावित वह महमूद गजनबी ने सन 1025 में सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था, उसकी संपत्ति लूटी और उसे नष्ट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब और किसने किया था? तो महमूद गजनबी ने किया था 1025 ईस्वी में। गुजरात के बेरावल बंदरगाह में स्थित इस मंदिर की महिमा और कीर्ति दूर दूर तक फैली थी। अरब यात्री अलबरूनी ने अपने यात्रा वृत्तांत में इसका वर्णन विवरण लिखा, जिससे प्रभावित हो महमूद गजनबी ने सन 1025 में सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था और उसकी संपत्ति लूटी और उसे नष्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो यह है हॉर्नबिल नागालैंड में, पूर्व उत्तर भारत। शहनाई वादक कौन है? बिस्मिल्ला खां, अली अहमद, हुसैन खां, दयाशंकर जगन्नाथ, ये जो हैं शहनाई वादक है। अन्य देखिए, सरोद वादक जो हैं अलाउद्दीन खां, बुद्धदेवदास गुप्ता, अजमद अली खां, अमजद अली खां, अली अकबर खां, विश्वजीत राय चौधरी। सितार वादक देख लीजिए, उमा शंकर मिश्र, पंडित रविशंकर, बुद्धादित्य मुखर्जी, विलायत खां, शाहिद परवेश, बंदे हसन। तो विलायत खां और जो है पंडित रविशंकर, ये इसमें मोस्ट हैं जो अर एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तबला वादक जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा, गुरदई महाराज, किशन महाराज, लतीफ़ खां, शुभेंद्र सिंह जो हैं तबला वादक हैं। संतूर वादक देखिए, शिव कुमार शर्मा और भजन सोपारी जो हैं संतूर वादक हैं। नेक्स्ट, बांसुरी जो हैं हरिप्रसाद चौरसिया, पत्रालाल घोष, राजेंद्र कुलकर्णी और भी कुंजमणि जो हैं बांसुरी से संबंधित हैं। पखावज गोपाल दास, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, छत्रपति सिंह रहमान खां। वायलिन से संबंधित हैं टी एन कृष्णन, एल सुब्रमण्यम, डॉक्टर एन राजम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? कौटिल्य चाणक्य जो हैं अर्थशास्त्र के लेखक हैं। किस मुगल शासक ने कैलाश मंदिर को तोड़ने की कोशिश की थी? तो मुगल शासक औरंगजेब ने कैलाश मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन उसे अपने मंसूबों से ज़्यादा सफलता नहीं मिल पाई। कैलोरा में कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट वंश द्वारा भगवान शिव के मंदिर के रूप में बनाया गया। यह मंदिर दुनिया भर में एक ही पत्थर की शिला से बनी हुई सबसे बड़ी मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और किन के मध्य लखनऊ समझौता हुआ था? आंसर, लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द बोर्ड्स डिस्पैच किससे संबंधित है? तो 1854 में चार्ल्स वुड ने अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार और महिलाओं की शिक्षा पर जोर देने के लिए द वुड डिस्पैच
किया था। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को एक पत्र भेजा था। द वुड डिस्पैच 1854 ने सुझाव दिया था कि भारत के प्राथमिक विद्यालयों में स्थानीय भाषाओं को शुरू किया जाए और उच्च शिक्षा यानी विश्वविद्यालय की शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसी ही नदी मैदान में प्रवेश करती है वह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाती है, इसे क्या कहते हैं? मेंढर कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंढर। किसी नदी के उल्टे क्रम में क्रमिक मोड़ों के बनने से मेंढर्स नामक एक पूर्ण एस वक्र का निर्माण हो सकता है। और जैसे ही कोई नदी अगर किसी समुद्र के पास समुद्र में मिलती है तो वहाँ पर किसका निर्माण होता है? इस तरीका से डेल्टा का निर्माण होता है। सबसे बड़ा डेल्टा है जो सुंदरबन का डेल्टा है, गंगा नदी बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IVF फुल फॉर्म क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो है यानी पात्र निषेचन, ये एक कृत्रिम गर्भाधान की विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? तो नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता जो है, गोवा जो है एक समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। बूताकोला नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? कर्नाटक और केरल के तमिलनाडु क्षेत्र में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ जोया फैक्टर? जोया फैक्टर के लेखक कौन है? तो अनुजा चौहान जो हैं, जोया फैक्टर के पब्लिश्ड बाय हार्पर कॉलिंस इंडिया इन 2008। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे ज़्यादा किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो हैं भारत के सबसे व्यापक वन हैं। RBI ने भारत को विश्व स्तर पर भुगतान के पावर हाउस के रूप में स्थापित करने के लिए कौन सा विजन शुरू किया था? तो पेमेंट विजन 2025 शुरू किया था। पेमेंट विजन 2025 डॉक्यूमेंट। कौन सा मोटा अनाज नहीं है? तो मोटा अनाज देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। मिलेट्स, ज्वार यानी मोटा अनाज, मतलब मिलेट्स इंग्लिश में बोलते हैं, ज्वार, बाजरा, रागी, सावा, कंगनी, चीना, कोदो, कुटकी, कुट, सिरधान्य मिलेट के अंतर्गत आने वाले 5 प्रकार के मिलेट, कंगनी, फॉक्सल मिलेट, कोडो मिलेट, कुटकी, लिटिल मिलेट, सांडवा, ब्रेड मिलेट, छोटी कंगनी। ये तो ये थे 2 मई 3rd शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन। देखिए 3 मई 5th शिफ्ट के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, लियोनेस मेसी किस खेल से संबंधित हैं? तो ये हैं अर्जेंटीना के हैं। कहाँ किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। राष्ट्रमंडल खेल में बजरंग पुनिया ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो कुश्ती स्पर्धा में, यानी ये एक रेसलर है, कुश्ती से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर के लेखक कौन है? तो ये हैं बराक ओबामा, अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति जो हैं, इनकी पुस्तक है ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी सुल्तान कौन बना या कौन बैठा? मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुग्गी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो सुग्गी कहाँ का है? कर्नाटक का। और देखिए कर्नाटक का यक्षगान, उत्तरी सुग्गी, कुणिथा, कारगा, ये सब कहाँ के? कर्नाटक के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात है? दमन और दीप में। नेक्स्ट, रुक्मणी देवी अरुणडेल किस नृत्य से संबंधित हैं? तो ये हैं भरतनाट्यम, तमिलनाडु का है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जन रोजगार के मामलों में अवसर की समानता को बताता है? तो अनुच्छेद 16 समानता के अधिकार को बताता है और अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज ने किस भारतीय शासक के शासनकाल में भारत का दौरा किया था? यानी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान ये भारत आए थे। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर प्रथम राजदूत थे, जिन इंडिका नामक पुस्तक इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी, मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैसाखी का त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? तो ये अप्रैल में, 14 अप्रैल को। इसी दिन सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। भारत का पहला उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 1862 को। भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय है, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1862 को हुई थी। वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। नेक्स्ट, बेयर्स DNA फाउंड इन सेल, मतलब कोशिका में DNA कहाँ पाया जाता है? तो न्यूक्लियस, नाभिक, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। एक बैटरी द्वारा किस प्रकार की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? इन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। बैटरी का उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को संग्रहित करता है और विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। लाइकेन किस प्रकार की वनस्पति में पाई जाती है? तो ये टुंड्रा वनस्पति में पाई जाती है। दक्कन का पठार किस नदी के
दक्षिण में स्थित है, तो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1989 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को किस योजना में मिलाया गया था? जवाहर रोजगार योजना में, योजना JRY 1 अप्रैल 1989 को प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम को मिलाकर शुरू की गई थी। भारत में राष्ट्रपति चुनाव के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचक कुंडल का हिस्सा होता है? राष्ट्रपति सीधे लोगों द्वारा निर्वाचित नहीं होते हैं, बल्कि निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा उनका निर्वाचन किया जाता है। और जिसमें कौन कौन होते हैं निर्वाचक मंडल में? संसद के दोनों सदनों यानी राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, और राज्यों को विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, तथा दिल्ली और पुडुचेरी संघ शासित केंद्र प्रदेशों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए पुदुमाई पेन योजना शुरू की है? ये कहाँ की है? तमिलनाडु ने। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने छात्राओं के लिए 5 सितंबर 2022 को चेन्नई में पुदुमाई पेन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक पढ़ने वाले सभी छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रतिमाह 1000 रुपये मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1855-56 में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 में। इस विद्रोह का मूल कारण अंग्रेजों के द्वारा जमींदारी व्यवस्था तथा साहूकारों और महाजनों के द्वारा शोषण एवं अत्याचार था। इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कानू और चांद भैरव ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामप्पा मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो रामप्पा मंदिर जो है शिव को भगवान को समर्पित है। रामप्पा मंदिर जिसे रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण भारत में तेलंगाना राज्य में स्थित है। रामप्पा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तेलंगाना में। भगवान शिव को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितनी सालाना आय से कम तक की राशि पर टैक्स माफ़ किया है? तो यह है 3 लाख। सालाना से कम राशि पर कोई टैक्स नहीं होगा। 3 से 6 लाख के अंदर 5% और 6 से 9 लाख के बीच 10% होगा। राहुल देव बर्मन के द्वारा कौन सा गाना कंपोज किया गया था? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। हाल ही में भारत में रक्षा संबंधित करार किस देश के साथ किया गया? तो मालदीव के साथ। बजरंग पूनिया किससे संबंधित है? तो यह है किस कुश्ती से। देखिए 3 मई सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन, 3 मई सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखिए। इनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा का अपना उच्च न्यायालय है? तो किसका है? दिल्ली का। दिल्ली का अपना खुद का उच्च न्यायालय है। दिल्ली भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय है। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 31 अक्टूबर 1966 को हुई थी। दिल्ली की उच्च न्यायालय की स्थापना मुख्य न्यायाधीश के एस हेंगड़े और मुख्य न्यायाधीश ID दुआ, न्यायाधीश HR खन्ना और न्यायाधीश SK कपूर के साथ 4 न्यायाधीशों के रूप में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना जो है आत्माराम पांडुरंग ने की थी। सामाजिक धार्मिक सुधार के लिए अग्रणी समाज प्रार्थना समाज की स्थापना 31 मार्च 1867 को मुंबई में आत्माराम पांडुरंग ने की द्वारा की गई। इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रानाडे तथा इतिहासकार RG भंडारकर मुंबई में 31 मार्च 1867 को की गई। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो यह है दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 ईस्वी में हुआ था। उस्ताद सफात अहमद खान किस वाद्यंत्र से संबंधित हैं? तो यह है तबला वादक। उस्ताद सफात अहमद खान किस घराने से संबंधित है? और ये दिल्ली घराने से संबंध रखते हैं। दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा यानी दक्षिण भारत की गंगा के नदी के नाम से जाना जाता है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी। गोदावरी नदी पश्चिमी उत्तर महाराष्ट्र राज्य में बहती है जो दक्कन प्रायद्वीप के विस्तृत पठार के पार पूर्व की ओर बहती है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, असम में फसलों की कटाई होने पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो बिहू त्यौहार मनाया जाता है। द मैन हु नाउ एट इन्फिनिटी अ लाइफ ऑफ द जीनियस रामानुजम इज बायोग्राफी ऑफ द इंडियन मैथमेटिशियन श्रीनिवासन रामानुजम रिटन बाय 1991 बाय रॉबर्ट कॉनिजेल। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने और कब की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। हॉकी में कितने प्लेयर होते हैं? 11। क्रिकेट में भी 11 प्लेयर होते हैं।
स्वतंत्रता का अधिकार किस में आता है? मौलिक अधिकारों में आता है। मौलिक अधिकार, भारत का संविधान 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। रुक्मणी देवी अरुंडेल निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंध जुड़ी हुई हैं? ये हैं भरतनाट्यम से, तमिलनाडु। देखिए ये अपने 8 शास्त्रीय नृत्य जिनके बारे में देख लीजिए। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। कथक उत्तर प्रदेश का। कथकली केरल। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। उड़ीसी उड़ीसा का है। सत्रिय असम का। और मणिपुरी मणिपुर का। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का। तो ये हमने 8 शास्त्रीय नृत्य हैं जो आपको याद रखने हैं। इनमें से हर शिफ्ट में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछ देखने को आपको मिलेगा, पूछा जा रहा है। और इनके साथ ही कलाकारों का भी नाम मैं आपको याद रखने हैं। ये जो वीडियो है इसमें से आपको आने वाले फेज में कई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको बिल्कुल पढ़ाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों के भारत छोड़ने पर भारत की साक्षरता दर कितनी थी? 12%। 1947 में भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति के बाद भारत की साक्षरता दर 12% थी। तब से देश आर्थिक, सामाजिक और विश्व स्तर पर उन्नत हुआ है, लेकिन अभी तक बहुत कुछ किया जाना बाकी है। एक अम्ल और क्षार के बीच की प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो अम्ल और जो क्षार की जब क्रिया होती है तो उनके उदासीन हो जाते हैं। कौन सा उत्तक पौधों में जल और खनिजों का परिवहन करता है? तो जब बात हो रही है जल की, जल और खनिज लवण की, तो जाइलम। जल से, जैसे जल और जैसे जाइलम। इसी प्रकार अगर पौधों के पत्तियों में बने प्रकाश संश्लेषण के बाद में जो पौधों के पत्तियों में कार्बोहाइड्रेट यानी भोजन बनता है उसको अगर जड़ों तक पहुँचाना हो तो कौन रहेगा? फ्लोएम। फ्लोएम इस कार्य को करता है। पृथ्वी के केंद्र पर कौन सा बल लगता है? गुरुत्व केंद्र, ग्रेविटी। कौन सा सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है? विंबलडन। टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, यूएस ओपन। विंबलडन सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है, इसकी शुरुआत 1877 में हुई थी। पंचामृत योजना किस राज्य ने शुरू की थी? शुरू है उत्तर प्रदेश ने। किसने की है? शुरू उत्तर प्रदेश ने शुरू की है। कोशिका की खोज किसने की थी? तो ल्यूवेनहॉक ने कोशिका की खोज की थी। ल्यूवेनहॉक ने 1674 में सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की। व्हाट इज द इडियम ऑफ आउट ऑफ डेंजर? तो आउट ऑफ बोर्ड्स। चुनाव कानून विधेयक 2021 किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो मिनिस्ट्री लॉ एंड जस्टिस, कानून और न्याय के मंत्रालय के अधीन आता है। चुनाव कानून संशोधन बिल 2021 को लोकसभा में 20 दिसंबर 2021 को पेश किया गया था। वर्ष 2021 का अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार इनमें से किसे दिया गया था? अर्पणा सतीशन को दिया गया, जो प्रसिद्ध कुचिपुड़ी एवं भरतनाट्यम नर्तक हैं। गोरखपुर किस रेलवे का मुख्यालय है? कौन से जोन का? तो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय है गोरखपुर। भारतीय रेलवे को 18 जोन और 73 मंडलों में विभाजित, डिविजन्स में विभाजित किया गया है। उत्तरी जोन सबसे बड़ा क्षेत्र है। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि जो थे बाणभट्ट। बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट ने संस्कृत में हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित की रचना की, हर्षचरित लिखा। हु इज कॉल्ड एज उलेमा इन दिल्ली सल्तनत? उलेमा कानून जो है, धर्म और प्रशासन की समझ रखने वाले विद्वान थे। उलेमा कानून, धर्म और प्रशासन की समझ रखने वाले विद्वान थे और सरकार में पदों पर आसीन थे। तो ये थे अपने सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन। देखिए 3 मई थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन। कोनेरू हम्पी जो है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो कोनेरू हम्पी जो है शतरंज से संबंधित हैं। पौधे के साम्राज्य में फर्न्स और फर्न सहयोगी किस समूह से संबंधित हैं? तो ये है टेरिडोफाइटा से। किससे? टेरिडो। वेदांतम सत्यनारायण शर्मा किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं? तो कुचिपुड़ी के लिए जाने जाते हैं। बैसाखी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? पंजाब में। किस माह में? अप्रैल माह में। 2001 से 2011 तक किस केंद्र शासित प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या थी? तो दिल्ली की। कहाँ की थी?
दिल्ली की सर्वाधिक जनसंख्या थी। नेक्स्ट, 1894 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किसकी स्थापना की थी? तो भारतीय कांग्रेस की, नटाल कांग्रेस, नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना 1894 में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में की थी। गांधी का पहला जेल कार्यकाल 1908 में दक्षिण अफ्रीका में के जोहान्सबर्ग जेल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसे भेजा? मेगास्थनीज को भेजा था। मेगास्थनीज की पुस्तक कौन सी है? इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा की सबसे बड़ी और भारत की तीसरी बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो महानदी जो है उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी और भारत की तीसरी प्रायद्वीपीय नदी जो है महानदी। 2001 में किस सेनाई वादक को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को, जो सेनाई वादक हैं उनको 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। विजयनगर साम्राज्य का विखंडन किस युद्ध के बाद हुआ था? तालीकोट के युद्ध के बाद में हुआ था। मिशन कर्मयोग योजना किससे संबंधित है? मिशन कर्मयोग योजना का उद्देश्य सरकारी कार्यालय में कार्यरत सभी कर्मचारियों की योग्यता को उन्नत करना था। योजना के माध्यम से कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से लर्निंग कंटेंट एवं ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी। मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, 1976 में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है बिपिन चंद्र जी, इस पुस्तक के लेखक हैं। महाबलीपुरम स्मारक किस वंश के संबंधित है? तो पल्लव वंश से संबंधित है महाबलीपुरम स्मारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 दक्षिण एशियाई खेल किस देश में होगा? भारत में। कौन सा देश 2023 में दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों की मेज़बानी करने जा रहा है? कंबोडिया। न्यूटन का प्रथम नियम किस नाम से जाना जाता है? जड़त्व के नियम से। मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका सूत्र क्या होता है? HCl। सबसे ठंडी पवन कौन सी है? ठंडी पवन जो है मिस्ट्रल, बोरा, बर्फी, लतूफान, लेवेंडर, टेम्पोरा, बुरान, ट्रामोसन, टेन, ग्रेगेल, ये जो है सबसे ठंडी कौन सी है? मिस्ट्रल। नेपाल के साथ किस राज्य की सीमा नहीं लगती है? तो नेपाल के साथ में जो सीमाएं लगती हैं वो देख लेते हैं। भारत और नेपाल के बीच की सीमा, भारत और एक खुली अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, 1690 किलोमीटर 1050.12 मील लंबी सीमा में हिमालय और भारत गंगा क्षेत्र शामिल है। वर्तमान स्वरूप का गठन नेपाल और ब्रिटिश राज्य के बीच 1816 में, जिसमें सुगोल की संधि के बाद हुआ। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मद्रास अधिवेशन में जिसमें संविधान का मसौदा तैयार की कब मांग की गई थी? तो मद्रास अधिवेशन 1927 में, कांग्रेस के 42वें अधिवेशन 1927 में मद्रास में आयोजित किया गया था। यहीं पर पहली बार कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की आह्वान किया था। जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश किया था। अंतर्राज्यीय परिषद में पीएम द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो 6 केंद्रीय मंत्रियों को मनोनीत किया जाता है। तो ये थे थर्ड शिफ्ट के पूछे गए क्वेश्चन। देखिए 4 मई फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो मध्य प्रदेश में MP के 8 शहरों में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, सतारा देवी निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो यह है कथक से। भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, इसके जो कलाकारों को देख लेते हैं, ये कृष्ण अय्यर, रुक्मिणी देवी अरुंडेल, यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी विश्वनाथन, पद्मा सुब्रमण्यम, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई। तो ये किससे हैं? भरतनाट्यम से हैं संबंधित हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, रागिनी देवी, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, इंद्राणी रहमान, ये कुचिपुड़ी से संबंध रखते हैं। कथकली के जो हैं केरल, कथकली कहाँ का है? केरल का। बी एन मेनन, गुरु गुंजू कुंचुकुरूप, गोपीनाथ, कोटक्कल सुब्रमण, रीता गांगुली, ये कथकली के कलाकार हैं। ओडिसी के देख लीजिए, ओडिसी कहाँ का है? उड़ीसा का। इंद्राणी रहमान, चार्ल्स फाबरी, गुरु पंकज चरण दास, कैलूचरण महापात्र, सोनल मानसिंह, शेरोन लोवेन, मायरलार बरवई, ये कहाँ के हैं? किसके हैं? उड़ीसी से संबंधित हैं। नेक्स्ट, मणिपुरी जो
शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? मणिपुर का। इसके कलाकार राजा भागचंद्र, रविंद्रनाथ टैगोर, नयना, सुवर्णा, रंजना और दर्शना गुरु विपिन सिंह यानी झावेरी बहन है। नेक्स्ट, कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश या नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत का। लेडी लीला शोक है बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, दयमंती जोशी कथक से संबंधित है। क्षत्रिय कहाँ का है? असम का। शंकर देव इसके जनक हैं। मोहिनीअट्टम केरल का है। बी एन मेनन, कल्याणी अम्मा कुट्टी, सुनंदा नायर, कलामंडलम छगमती, माधुरी अम्मा, जयप्रभा मेनन ये से संबंधित कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठुमरी की रानी किसे कहा जाता है? गिरजा देवी को ठुमरी की रानी कहा जाता है। द पैलेस ऑफ एल्यूशन के लेखक कौन है? चित्रा बनर्जी, दिवाकरुणी। नेक्स्ट, 1529 में घाघरा की लड़ाई में मुगल सम्राट बाबर ने किसे हराया था? तो महमूद लोधी को हराया था। घाघरा का युद्ध 1529 में लड़ा गया था। अफगान राजा महमूद लोधी और मुगल बादशाह बाबर के बीच घाघरा का युद्ध हुआ था। पृथ्वी का जुड़वा के रूप में जाने जाने वाला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी इसको कहते हैं। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। इसका रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। एक कार्बनिक रासायनिक यौगिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? 31.16 रूरल यानी ग्रामीण, और ग्रामीण कितना था? 68.8%। जल को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर उपयोग की जाने वाली रासायनिक विधि कौन सी है? क्लोरीनीकरण। जल का क्लोरीनीकरण जल में क्लोरीन या क्लोरीन यौगिक जैसे सोडियम हाइपोक्लोरेट मिलाने से किया जाता है। सोडियम हाइपोक्लोरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो वर्ष 2000 में शुरू की गई थी। स्वामी विवेकानंद का आध्यात्मिक गुरु कौन थे? गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। आगरा का किला का निर्माण किसने करवाया था? मुगल बादशाह अकबर ने आगरे का लाल किला का निर्माण करवाया था। दिल्ली का लाल किला शाहजहाँ ने बनवाया था और आगरा में लाल किला मुगल बादशाह अकबर ने बनवाया था। आगरा किले का निर्माण 1565 के आसपास शुरू किया गया था। 1983 में आगरा किले को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 सुल्तान जौहर कप किसने जीता? तो ये किसने जीता? भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है? गुजरात में। नेक्स्ट, कोदो कुटकी अड़का माउंटी किस तरह की फसल है? बाजरा। किस राज्य में उगादी एक महत्वपूर्ण उत्सव के रूप में मनाया जाता है? कर्नाटक में। सितंबर 2022 में निर्मला सीतारमण के द्वारा दक्षिण एशियाई अध्ययन के लिए कौन सा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था? भारत विद्या। नेक्स्ट, तमिलनाडु के मंदिरों में देवदास यो द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम। देवदासियों द्वारा नृत्य किया जाने वाला कौन सा है? भरतनाट्यम। तमिलनाडु के मंदिरों में देवदासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य जो है भरतनाट्यम है। भरतनाट्यम मंदिर भगवान देवदासियों द्वारा किया जाता है। मोहिनीअट्टम भगवान विष्णु। क्षत्रिय नृत्य जो भक्ति आंदोलन से संबंधित है। और मणिपुरी जो है शिव और पार्वती का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद भौगोलिक आधिपत्य की नीति को त्याग दिया और धर्मघोष को अपनाया था? कलिंग युद्ध 261 ईस्वी पूर्व में। बलानोग्लोसस किस संघ का एक जीव है? तो कॉर्डेटा का जीव है। किस नृत्य शैली को मूल रूप से तमिल में सदिर और दासी अट्टम के रूप नाम से जाना जाता है? भरतनाट्यम। इनमें से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? प्रत्यर्पण जो है संघ सूची के अंतर आता है। नेक्स्ट, द्वैत शासन किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया था? चेम्सफोर्ड के समय भारत शासन अधिनियम द्वारा 1919 में किया गया था। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि आने वाले सेकंड फेज में हर शिफ्ट में इनमें से क्वेश्चन जरूर देखने को आपको मिलेंगे। क्वेश्चन काफ़ी रिपीट हो रहे हैं। 4 मई सेकंड शिफ्ट, संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 43 भी किससे संबंधित है? तो सहकारी समितियों से संबंधित है। कौन सा?
आर्टिकल 43 बी, चावल को किस तापमान और किस आर्द्रता की आवश्यकता होती है? तो उच्च तापमान और उच्च ही आर्द्रता की आवश्यकता होती है। सपेरा नृत्य को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? तो कालबेलिया नृत्य नाम से भी जाना जाता है। सिरका का रासायनिक नाम क्या है? सिरका का रासायनिक नाम जो होता है वो है एसिटिक एसिड। भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1829 में सती प्रथा को अपराध घोषित कर समाप्त कर दिया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसको समाप्त किया था। किसके साथ मिलकर के? राजाराम मोहन राय के साथ। ठगी प्रथा का अंत 1830 ईस्वी में कर्नल सलीमन द्वारा किया गया था। गिर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो और यह किस जानवर के लिए जाना जाता है? शेर के लिए। अकबर के बाद मुगल साम्राज्य का राजा कौन बना था? जहांगीर। मालगुड़ी डेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आर के नारायण। निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र इनके कोई भी उपग्रह नहीं है। बोस्टोक 2022 किसके बीच हुआ? भारत, चीन और रूस, इन तीनों के। बोस्टोक 2022 नाम का यह युद्धाभ्यास रूस में आयोजित होने वाला है। इस युद्धाभ्यास में भारत और चीन और रूस के अलावा बेलारूस, मंगोलिया, तजाकिस्तान की सेनाएं भी हिस्सा लेंगी। बोस्टोक अभ्यास रूस में 30 अगस्त से 5 सितंबर तक आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, सिमोन बाइल्स का संबंध किस खेल से है? जिम्नास्टिक से। कार्बोलिन कप किस खेल से संबंधित है? विश्व महिला टेबल टेनिस से। पद्म सुब्रमण्यम किस निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित हैं? भरतनाट्यम से। बैडमिंटन में पहला ओलंपिक मेडल किसने लाया था? साइना नेहवाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत में कितने पड़ोसी देश हैं? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बाल विवाह निषेध संशोधन बिल 2021 में महिलाओं की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर कितने साल का प्रस्ताव रखा गया था? 21 साल का। रावण पहाड़ी गुफा किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। हरे और कोमल तने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? हर्बल कहा जाता है। 36वीं संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता किसने की थी? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। एनेस्थीसिया के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। मटेरियल दैट डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू इट इज कॉल्ड एन। यह पदार्थ जो अपने में से विद्युत प्रवाहित नहीं होने देता क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर कहलाता है, यानी कि विद्युत रोधी। लिंगानुपात की सही परिभाषा क्या है? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या या महिलाओं का औसत जो है क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय उत्पाद विधि में क्या घटाते हैं? NNP में से GNP माइनस NNP बराबर राष्ट्रीय आय उत्पाद जो है GNP में से मूल्यह्रास घटाते हैं। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP इसकी गणना के लिए सकल घरेलू उत्पाद जो है इसमें से मूल्यह्रास डिप्रेशिएशन को घटा देते हैं। देखिए 4 मई थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन, तराइन का युद्ध कब हुआ था? तराइन का युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। मल्लिका साराभाई का पद्म विभूषण पुरस्कार कब मिला था? तो 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, GBA का फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है इसका फुल फॉर्म है। बैडमिंटन के मैदान की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? कोर्ट की चौड़ाई को सिंगल्स के लिए 5.18 यानी 17 फीट और डबल्स के लिए 6.1 मीटर यानी 20 फीट रखा जाता है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के दिशा निर्देशों के अंतर्गत बैडमिंटन के कोर्ट की लंबाई को 13.40 मीटर 44 फीट सिंगल्स और डबल्स का बनाया जाता है। वहीं कोर्ट की चौड़ाई को सिंगल्स के लिए 5.18 मीटर 17 फीट और डबल्स के लिए 6.1 यानी 20 फीट रखा गया है। शिंजो अबे कहाँ के प्रधानमंत्री थे? जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, जिनको वर्तमान में जापान का PM कौन है? फुयुमा किशिदा। नाटी लोक नृत्य किस राज्य का है? हिमाचल प्रदेश का। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चोल शासकों ने। संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक। सुकन्या समृद्धि ग्रामीण योजना में ऋण की अवधि कितने वर्ष तक है? 5 ईयर तक। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत
कब की गई थी? 1765 ईस्वी में। कृषि जनगणना कितने वर्ष में होती है? 5 वर्ष में। राष्ट्रीय सॉरी पश्चिम बंगाल में जो तूफान आया था वो किस नाम से जाना जाता है? काल वैशाखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित किशन लाल किससे संबंधित हैं? तबला वादक। आर के नारायण की पुस्तक कौन सी है? द डार्क रूम जो है आर के नारायण की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। बजी संघ की राजधानी कहाँ पर है? वैशाली। मत्स्य की जो महाजनपद है उसकी विराटनगरी, कंबोज की जीराजपुत, अस्मा की पटना, अंग की चंपा, वत्स कौशाम्बी, काशी बनारस, अवंती उत्तर दक्षिण यानी उज्जैन इसकी, कौशल की श्रावस्ती, सूरसेन की मथुरा है, मगध की गिरिवराज, चेदी की सुक्तमती, पांचाल उत्तर दक्षिण आय क्षेत्रपुर, मल्ल कुशीनगर है, कुरु की इंद्रप्रस्थ और गंधार की तक्षशिला। तो इनमें से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य की है? उत्तर प्रदेश की। निम्न में से किस दशक में भारत की जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि दर्ज दर्ज की गई थी? 1911 और 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से जीव पादपों में भोजन ग्रहण करते हैं क्या कहलाते हैं? जो पादपों से भोजन ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। तो ये थे 4 मई 3rd chapter के क्वेश्चन। तो इस वीडियो में हमने आपको 2, 3 और 4 मई के तीनों शिफ्ट यानी 3, 3, 9 शिफ्टों के क्वेश्चन हमने करवाए हैं आपको। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। अगले हम इसी प्रकार से सारी जो अब तक सभी शिफ्ट हुई हैं उनका क्वेश्चन करवाने वाले हैं लॉन्ग वीडियो में। तो आप वीडियो पूरा देखिए और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखें जिससे आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके।